अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह से फेक व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो यूके के नंबर से बिल्कुल फ्री में। तो फ्रेंड्स, अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले एक वीपीएन की जरूरत पड़ने वाली है, जिस वीपीएन का नेम है HAtunnel Plus। तो ये वीपीएन फ्रेंड्स आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। सिंपल आपने इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको कनेक्ट करना है यूनाइटेड स्टेट कंट्री के साथ। जैसा कि फ्रेंड्स अभी मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे यूनाइटेड स्टेट से कनेक्ट किया हुआ है। तो कनेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको एक और एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसका नेम है TextMe। इसको फ्रेंड्स आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं करना, इसका लिंक मैं आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद सिंपल फ्रेंड्स आपने इसको ओपन कर लेना है। तो अभी मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपने इसको नीचे से स्वाइप करते जाना है और लास्ट में फ्रेंड्स आपको यहां पर लिखा हुआ मिलेगा गेट स्टार्टेड। तो सिंपल आपने यहां पर क्लिक कर देना है और यहां पर क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट में लिखा हुआ मिलेगा क्रिएट एंड अकाउंट। तो आपने यहां पर क्लिक करना है और यहां पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको 5 नंबर यहाँ पर शो हो जाएंगे यूके के। तो इन 5 नंबर में से किसी एक नंबर को आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अभी फ्रेंड्स मैं यहाँ पर किसी भी एक नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे यहाँ पर कन्फर्म दिस नंबर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने इस परमिशन को अलाउ करना है। परमिशन को अलाउ करने के बाद आपने फिर फर्स्ट में यहाँ पर एक मेल डालना है। तो यहाँ पर आपने मेल में कुछ भी लिख देना है, रैंडमली कुछ भी यहाँ पर आपने मेल में लगाना है और उसके लास्ट में आपने @gmail.com लिख लेना है। मेल लिखने के बाद फ्रेंड्स अब आपने नीचे यहाँ पर पासवर्ड पर आ जाना है। यहाँ पर आपने पासवर्ड 6 नंबर का डालना है, यहाँ पर भी आपने कुछ भी लिख देना है और उसके बाद आपने नीचे यहाँ पर अपनी एज सेलेक्ट कर लेनी है। और एज सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपने नीचे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स अब आपने नीचे यहाँ पर रजिस्टर्ड के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें अनेबल टू साइन अप का प्रॉब्लम आ चुका है। तो अभी यहाँ पर मैं ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, दोबारा से रजिस्टर्ड के बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमें अनेबल टू साइन अप का प्रॉब्लम आ चुका है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपने इसे फिक्स करना है। तो इसे फिक्स करने के लिए आपने सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पर चले जाना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद अब आप फ्रेंड्स आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है TextMe। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको TextMe का अपडेट शो हो जाएगा। तो सिंपल फ्रेंड्स आपने इसको अपडेट कर लेना है और अपडेट करने के दौरान फ्रेंड्स आपका VPN जो है वो ऊपर कनेक्ट रहना चाहिए यूनाइटेड स्टेट के साथ। तो अभी फ्रेंड्स मैं आपको ऊपर VPN अपना चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा VPN कनेक्ट है यूनाइटेड स्टेट के साथ। तो अभी फ्रेंड्स आपने इसको यहाँ पर अपडेट होने देना है। तो अभी जल्दी से मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ और हमारी वीडियो जो है वो मैं फास्ट कर देता हूँ, ताकि फ्रेंड्स हमारी जो वीडियो है लंबी ना हो जाए। तो अभी फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हो हमारी TextMe एप्लीकेशन जो है वो अपडेट हो चुकी है और अपडेट होने के बाद सिंपल आपने इसको ओपन करना है। और ओपन करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको दोबारा से यहां पर दिखा देता हूं, यहां पर आप देख सकते हो मेरा VPN जो है वो अच्छे से कनेक्ट है यूनाइटेड स्टेट के साथ। तो फ्रेंड्स इस सभी प्रोसीजर के दौरान आपका VPN डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो अभी मेरा VPN कनेक्ट है, तो TextMe एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपने सेम प्रोसीजर वही करना है जो मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पर आपने गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट में यहाँ पर क्रिएट एंड अकाउंट का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें क्रिएट एंड अकाउंट का ऑप्शन शो हो चुका है। तो दोबारा से आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको फिर से यहाँ पर यूके के 5 नंबर शो हो जाएंगे। तो अभी फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हो मुझे फिर से यहां पर यूके के 5 नंबर शो हो चुके हैं। तो अब फ्रेंड्स आपने किसी भी एक नंबर को सिलेक्ट करना है ध्यान से। तो अभी फ्रेंड्स मैं यहां पर सेकंड नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूं और नंबर को सिलेक्ट करने के बाद अब आपने फ्रेंड्स यहां पर नीचे कन्फर्म दिस नंबर ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना। पहले आपने इस नंबर को व्हाट्सएप में लगा कर चेक करना है कि ये नंबर आपको व्हाट्सएप पे वैलिड मिलता है या नहीं। तो अभी फ्रेंड्स जल्दी से मैं इस नंबर को व्हाट्सएप में लगा कर चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स नंबर लिखने से पहले आपने पीछे एरिया कोड डालना है 44 और आगे आपने अपना नंबर लिखना है, जो कि फ्रेंड्स मैं अभी यहाँ पर जल्दी से लिख लेता हूँ। तो नंबर लिखने के बाद अभी नीचे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो नंबर हमें बिल्कुल वाइड मिला है। तो अभी ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं।
और यहाँ पर भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमें मैसेज का प्रॉब्लम मिल चुका है, यहाँ पर मैसेज नहीं जाएगा और नीचे हमें यहाँ पर कॉल मी का ऑप्शन शो नहीं हो रहा। तो जिस नंबर पे फ्रेंड्स कॉल मी का ऑप्शन शो नहीं हो, उस नंबर को आपने टेक्स्ट में एप्लीकेशन में नहीं लेना। तो अभी फ्रेंड्स मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले नंबर को ट्राई करता हूँ जल्दी से लगाकर। तो अभी ओके करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट के बाद। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैसेज का प्रॉब्लम मिला है, लेकिन हमें यहाँ पर नीचे जो कॉल मी का ऑप्शन है वो यहाँ पर शो हो चुका है। तो फ्रेंड्स जिस नंबर पे कॉल मी का ऑप्शन शो, उसी नंबर को आपने टेक्स्ट मी एप्लीकेशन में ले लेना है। तो अभी वापस आपने टेक्स्ट मी एप्लीकेशन में जाना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो फर्स्ट वाला नंबर है वो हमें वाइल्ड मिला है व्हाट्सएप पे। तो यहाँ पर इस फर्स्ट वाले नंबर को आपने सेलेक्ट करना है और नीचे यहाँ पर कन्फर्म दिस नंबर के ऑप्शन पर अब आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ पर फर्स्ट में एक मेल लिखना है, जैसे कि मैंने फ्रेंड्स आपको पहले बताया है। यहाँ पर आपने कुछ भी रैंडम मेल लगा देना है और उसके लास्ट में आपने @gmail.com लिख लेना है। मेल कंप्लीट लिखने के बाद फ्रेंड्स आपने नीचे पासवर्ड में आ जाना है। तो पासवर्ड पे भी फ्रेंड्स आपने सेम वही काम करना है जो मैंने आपको पहले बताया। आपने यहाँ पर भी कुछ भी रैंडम लिख देना है और फिर फ्रेंड्स आपने नीचे अपनी एज सेलेक्ट कर लेनी है कि यहाँ से कोई भी एज सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद नीचे आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स अब आपने नीचे यहाँ पर रजिस्ट्री के बटन पर क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स हमें बगैर किसी प्रॉब्लम के यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा टेक्स्ट मी एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो मुझसे एक वुमन वेरिफिकेशन मांग रहे हैं, तो वो फ्रेंड्स मैं अभी यहाँ पर जल्दी से दे देता हूँ। वुमन वेरिफिकेशन देने के बाद फ्रेंड्स आपके पास टेक्स्ट मी वालों का कुछ इस तरह का पेज आएगा, और इस पेज के बाद फ्रेंड्स आपको टेक्स्ट मी एप्लीकेशन में यूके का नंबर मिल जाएगा। तो अभी फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हो मुझे यूके का नंबर मिल चुका है टेक्स्ट मी एप्लीकेशन में बिल्कुल फ्री में। तो अभी फ्रेंड्स यहां से कट करके आपको नंबर वाले ऑप्शन में भी दिखा देता हूं। तो यहां पर भी फ्रेंड्स आप देख सकते हो मुझे यूके का नंबर मिल चुका है टेक्स्ट मी एप्लीकेशन में। अब फ्रेंड्स आपने व्हाट्सएप में नंबर को कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने वापस अपने व्हाट्सएप में आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स जो आपको नीचे यहाँ पर कॉल मी का ऑप्शन शो हो रहा है, सिंपल आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको फॉरन ही कॉल रिसीव होगी टेक्स्ट मी एप्लीकेशन में। तो सिंपल फ्रेंड्स आपने वापस टेक्स्ट मी एप्लीकेशन में आ जाना है, और बस फ्रेंड्स आपने इतना ध्यान रखना है कि आपको ऊपर VPN अच्छे से कनेक्ट रहना चाहिए, और फॉरन ही आपको यहाँ पर कॉल रिसीव हो जाएगी। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो मुझे कॉल रिसीव हो चुकी है। तो कॉल रिसीव होने के बाद फ्रेंड्स आपने इस नॉल को कॉल को उठाना है और ना ही इस कॉल को कट करना है। अगर फ्रेंड्स आप इस कॉल को उठा लेंगे या कट करेंगे तो आपको वॉइस मेल नहीं मिलेगा जिसमें आपका OTP होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स आपने इस कॉल को लास्ट तक चलने देना है। अभी फ्रेंड्स हम इसको लास्ट तक चलने देते हैं यहाँ पर। तो अभी फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हो हमारी कॉल एंड हो चुकी है। कॉल एंड होने के बाद अब आपने यहां पर रिफ्रेश करते रहना और स्वाइप करते रहना, और फौरन ही आपको पहले यहां पर मिस कॉल रिसीव होगी और उसके बाद आपको वॉइस मेल मिल जाएगा। तो इसके दौरान फ्रेंड्स आपका VPN डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा से आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आपका VPN कनेक्ट होगा तो यहाँ पर आपको मिस कॉल और वॉइस मेल रिसीव हो जाएगा। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पर वेट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारी मिस कॉल जो है वो रिसीव हो चुकी है। अभी फ्रेंड्स हमें फॉरन ही यहाँ पर वॉइस मेल भी रिसीव हो जाएगा। अभी दोबारा से यहाँ से मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करता हूँ, और अभी हमारे वॉइस मेल के आने तक यहाँ पर वेट करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमें वॉइस मेल भी रिसीव हो चुका है। तो अभी फ्रेंड्स मैं इस वॉइस मेल को सुनकर अपने व्हाट्सएप में लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर इसे जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो अभी फ्रेंड्स मैं यहाँ से स्पीकर पर लगाकर आपको सुनाता हूँ, और उसके बाद व्हाट्सएप में भी लगा देते हैं। यहाँ पर अभी व्हाट्सएप में लिखते हैं 606, और बाकी का दोबारा यहाँ पर सुन लेते हैं। Verification code is 606328. Your verification code is. तो आगे यहाँ पर लिखते हैं 328. तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर अपना OTP पुट किया और हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास ये वाला पेज आए तो आपने यहाँ पर स्किप कर देना है, और यहाँ पर भी स्किप कर देना है, और स्किप करने के बाद आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं अभी जल्दी से अपने चैनल का नेम लिखता हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स आपको नंबर भी चेक करवा देता हूँ। तो
यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो मुझे यूके का नंबर मिल चुका है व्हाट्सएप में बिल्कुल फ्री में और बगैर ही किसी प्रॉब्लम के। तो अभी फ्रेंड्स इस नंबर के लास्ट में है 9188। तो अभी मैं आपको वापस टेक्स्ट मी एप्लीकेशन में भी नंबर चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर वापस टेक्स्ट मी एप्लीकेशन में चले जाते हैं। यहाँ पर भी फ्रेंड्स आप देख सकते हो सेम वही नंबर है, इस नंबर के भी लास्ट में है 9188। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अनलिमिटेड फेक व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली मरतबा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।